कोंच जालौन तहसील क्षेत्र के महेशपुरा रोड स्थित सेठ बद्री प्रसाद महाविद्यालय के प्रशिक्षार्थियों ने दिन सोमवार को उप जिलाधिकारी राम कुमार को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि हम आईटीआई संकाय के छात्र हैं और हम लोगों ने अपने अपने अधिकांश शुल्क जमा कर दिए हैं, लेकिन प्रबंधक के द्वारा जबरन अवैध तरीके अतिरिक्त शुल्क की मांग की जा रही है, जिससे हम लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि दिनांक 13 दिसंबर 2021 को सुबह 10 बजे आईटीआई का प्रथम पेपर था, लेकिन प्रबंधक ने परीक्षा में हम लोगों को शामिल न कराकर विद्यालय से भगा दिया और हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। छात्रों ने एसडीएम से भविष्य को देखते हुए उचित कार्यवाही करते हुए परीक्षा में शामिल किए जाने की मांग की है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा ये कोई पहला वाकया नहीं है जब छात्रों से अतिरिक्त शुल्क की मांग की जा रही है, बल्कि पूर्व में भी कई संकायों के छात्रों के साथ अवैध शुल्क वसूली की बात चर्चा में रही है, लेकिन कहीं भविष्य खराब न हो जाए इस डर के कारण छात्रों ने शिकायत करने की जरूरत नहीं की, क्योंकि विद्यालय प्रबंधन के द्वारा छात्रों के भविष्य को खराब करने की धमकी दी जाती रहती है, लेकिन इस बार तो परीक्षा में शामिल ही नहीं कराकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, जिस पर छात्रगण मजबूर होकर शिकायत करने को बेबस हो गए। अगर सक्षम अधिकारियों द्वारा ऐसे विद्यालयों की जांच की जाए तो विद्यालय प्रबंधन में कई तरीके की खामियां नजर आएंगी। इस अवसर पर दीपक कुमार, रंजीत कुशवाहा, वीरेंद्र कुमार, आशुतोष, क्या नाम है आपका? रंजीत। आज आपने एसडीएम कोच का सारे स्टूडेंटों ने घेराव किया है, क्या है मामला और किस बात को लेकर के आप जो है शिकायत करने आए हैं? सर, आज हमारा आईटीआई फर्स्ट ईयर का पेपर था, शाम को ग्रुप में मैसेज आया कि कल आपका पेपर है, एडमिट कार्ड ले लेना। आज हम लोग स्कूल पहुँचे तो वो लोग बोले आपकी फीस आधी जमा, जबकि हमारी पूरी फीस जमा थी, और एडमिट कार्ड नहीं दिया, वहाँ से भगा दिया कि आपको पेपर नहीं दिया जाएगा। कितने सुबह किसने जानकारी दी कि आपको आज पेपर है? और सर, ग्रुप में मैसेज आया था, स्कूल का ग्रुप है हमारा कॉलेज का, मैसेज आया था। तो आप जब विद्यालय गए तो क्या प्रबंधन कार्यालय ने कहा है, क्या कोई जानकारी दी आपको? उन्होंने कहा आपकी फीस पूरी जमा नहीं है, हम आपको एडमिट कार्ड नहीं देंगे, आपको पेपर नहीं लेने देंगे, आप यहाँ चले जाएंगे। एडमिशन आपने क्या डायरेक्ट कराया था कि किसी के माध्यम से आपने उसमें कराया था? कितनी फीस मांगी गई थी और कितनी बाकी बता रहे थे वो? ये फीस मेरी पूरी जमा है पहले साल की, 2000 एक्स्ट्रा मांग रहे हैं कि आपका जो सेंटर है, हम रही से अपने कॉलेज में लेके आए हैं, उसका आपको 2000 देना पड़ेगा। अच्छा, सेंटर का पैसा मांग रहे हैं कि आपका सेंटर जो है दूसरी जगह था, आज यहीं सेंटर है, तो इसका पैसा मांग रहे हैं। तो आपको पेपर नहीं देने दिया क्या? नहीं। क्या वजह से, कितने टाइम तक पेपर था आपका? मेरा 10 बजे था पेपर। तो पेपर हो गया क्या? पेपर खत्म हो चुका है, हम लोग अभी यहाँ खड़े हैं। तो एसडीएम साहब से आपकी बात हुई या अभी? कोई बात नहीं हुई है, अभी हम लोग एप्लीकेशन लिखवा रहे हैं, अब जा रहे हैं एसडीएम साहब के पास। कितने छात्र हैं आईटीआई में जिनको आज वंचित रखा गया है? लगभग 30-40 छात्र हैं, ये 10 तो हमारे साथ हैं और कुछ घर चले गए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए चैलेंज न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।